हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे साइंटिफिक नेम्स ऑफ विटामिन्स। दोस्तों, यहाँ से हर बार एक नए क्वेश्चन पक्का आता है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ लेना भाई, आपके 1 से 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो ध्यान से पढ़ना, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, 5 मिनट ज़िंदगी में लौट के नहीं आएंगे, समझ लो इस बात को। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है दोस्तों रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। ओके, और विटामिन बी ए की कमी से काय की प्रॉब्लम होती है? नाइट ब्लाइंडनेस की, आपको पता होगा, है ना। अब दूसरा है विटामिन बी वन। बी वन क्या होता है? थायमीन होता है दोस्तों। विटामिन बी वन का साइंटिफिक नेम क्या है? थायमीन। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि भैया विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी वन, तो आपको पता होना चाहिए, थायमीन। ओके, विटामिन बी टू को क्या बोलते हैं? मैंने सीक्वेंस में लिख दिया है ताकि आपको इजी रहे और आप ना भूलें, ठीक है। विटामिन बी टू क्या को बोलते हैं? राइबोफ्लेविन को बोलते हैं विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन है, आपको याद करना ही पड़ेगा, इधर ट्रिक नहीं चल सकती, कुछ मतलब हिसाब नहीं है ट्रिक बनाने का। ओके, विटामिन बी थ्री को क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं और निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। कोई भी नाम आ सकता है, तो आप बिल्कुल अवेयर रहिए, बिल्कुल फोकस्ड होके, बिल्कुल यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और क्या बोलेंगे, केयरफुल से बहुत अच्छा वर्ड एक ध्यान नहीं आ रहा है, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, यू हैव टू बी स्क्रूपलस। ओके, तो भैया विटामिन बी थ्री को का साइंटिफिक नेम है नियासिन और निकोटिनिक एसिड। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी फाइव को क्या बोलते हैं दोस्तों? विटामिन बी फाइव को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेंटोथेनिक एसिड। ओके, मैंने इसको, मुझे कैसे याद हो गया था, विटामिन बी फाइव के अंदर आ रहा 5, है ना, 5, और ये पी ए एन है ना, ये भी 5 ऐसे लग रहा ना, पी ए एन सी एच अगर ऐसे लग दो तो 5, तो पी से जो स्टार्ट हो रहा है वो 5 के लिए है, तो मुझे याद हो गया विटामिन बी फाइव का साइंटिफिक नेम है पेंटोथेनिक एसिड। याद रखिएगा दोस्तों, भूल मत जाना मैं बता रहा हूँ, वरना कोई सेंस नहीं है पढ़ने का यार, ध्यान से पढ़ो बिल्कुल फोकस्ड होके, है ना। ज़्यादा अपन 6 साल तैयारी थोड़ी करनी है, अभी निकालना 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम, इसीलिए। आगे क्या है? विटामिन बी सिक्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? बी सिक्स को बोलते हैं पाइरोडॉक्सिन। क्या बोलते हैं विटामिन बी सिक्स को? पाइरोडॉक्सिन। ये मैंने कैसे याद रखा था दोस्तों, मैंने बी सिक्स के अंदर जो 6 वर्ड आ रहा है ना, उसको कैसे लिखते हैं अपन? SIX, ठीक है, और पाइरोडॉक्सिन के अंदर भी X वर्ड आ रहा है, तो बस मैंने छोटी सी एक लिंक बना ली कि X वाला जो है वो ये वो विटामिन बी सिक्स का है, तो मुझे याद रहता है, शायद आपको भी हेल्प मिले, इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो ध्यान से इसको देख लेना, है ना। बी फाइव का भी बता दिया मैंने, बी सिक्स का भी बता दिया। बी सेवन का क्या बता दिया भैया मैंने? बी सेवन का बता दिया बायोटिन है। इसका साइंटिफिक नेम बी सेवन का क्या है? बायोटिन। ओके, और ये बायोटिन की कमी से क्या होता है दोस्तों? बाल माल थोड़े झंडे लगते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद रखा कि भैया 7 दिन बढ़िया नहाओ, खूब शैम्पू वैम्पू लगाओ, हेड एंड शोल्डर और वाटिका और दुनिया भर के डव मव लड़कियों वाले कौन कौन से शैम्पू आते हैं सब लगा डालो, लेकिन भैया बालों को, स्कैल्प को अच्छे से रखो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, है ना। 7 दिन नहाओ बढ़िया, ताकि आपके बाल बाल न झड़ें, क्योंकि बायोटिन की कमी ना हो, बस इस तरीके से मैंने याद कर लिया, आपको भी हेल्प मिलेगी, ज़रूर करिएगा। विटामिन बी नाइन को क्या बोलते हैं? उसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों फोलिक एसिड। क्या है? फोलिक एसिड, आपको ये याद रखना पड़ेगा। मैंने कैसे याद रख लिया? बी नाइन है ना, तो फोलिक के अंदर जो ओ बना उसको मैंने 9 बना लिया। एक बार आप भी देखो, आपको समझ में आ रहा होगा, एफ है, एफ के बाद ओ बना है ना, फोलिक का ओ को मैंने 9 बना लिया, तो मुझे याद हो गया बी नाइन का क्या है? फोलिक एसिड। इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं, वरना भूल जाएंगे, या फिर 2-3 बार रिवाइज कर लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लेलिस्ट में ज़रूर डाल लेना भाई, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। विटामिन बी ट्वेल्व, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन, इसको बोलते हैं कोबालामिन। इसका साइंटिफिक नेम है कोबालामिन, कई बार आ चुका है, और सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व, उसको बोलते हैं दोस्तों कोबालामिन। क्यों? इसके अंदर कोबाल्ट होता है, इसलिए कोबालामिन बोलते हैं। ओके, अब देखो आगे क्या है। आगे है विटामिन सी, बहुत ही सरल है ये तो। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। कैसे याद रखेंगे आप इसको? मैंने ऐसे रख लिया था, मेरा एक फ्रेंड है कोई, या वो या कोई, हाँ फ्रेंड है जो सी ए बन गया, तो सी से मैंने एस्कॉर्बिक एसिड याद रख लिया, मुझे याद हो गया था तो मैंने आपको बता दिया। विटामिन सी को मैंने, कोई मेरा दोस्त है जो सी ए है, तो सी से ए, तो सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना भाई, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, वरना पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। आप 100 वीडियो देख लो, यहाँ के देख लो, वहाँ के देख लो, सेंस नहीं है। फोकस्ड होकर, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ो अच्छे से, और कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ओके, विटामिन डी क्या है? विटामिन डी को बोलते हैं दोस्तों कैल्सिफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सिफेरॉल। ये मैंने कैसे याद रखा था दोस्तों? मैंने ऐसे याद रखा था कि आपने सुना ना, डायरेक्ट करंट है ना, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, बस इसी तरीके से मैंने याद किया है। मैंने डीसी को कैसे याद रखा? विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल।
मुझे याद हो गया है ना, आपको भी याद होगा। चलो एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, शायद आप पढ़ने वाले हो तो आपको पता होगा। आप बताइए, जो अपने बोर्ड से आपने आपका लैपटॉप आपको चार्ज करना है ना, तो लैपटॉप अपना ऑल्टरनेटिव करंट से चार्ज होता है या डायरेक्ट करंट से चार्ज होता है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ आप कितनी अच्छी फिजिक्स पढ़ते हो। अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि भैया जो मतलब अपना लैपटॉप कैसे चार्ज होता है, अपना फ़ोन कैसे चार्ज होता है, फ़ोन में ऑल्टरनेटिव करंट से चार्ज होता है या डायरेक्ट करंट से अपना फ़ोन चार्ज होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ है ना। और जो अपन फ़ोन में जो अपना चार्जर होता है उसके अंदर ऐसा क्या लगा होता है, उसका क्या काम होता है, मैं आपसे पूछता हूँ। बट ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल IAS लेवल का, आपको पता होना चाहिए। अगर किसी में है दम, कोई है बंदा कर रहा तो बताओ भाई, मैं देखना चाहता हूँ, मैं पढ़ूंगा बिल्कुल उसका कमेंट और उसका नाम अगले वीडियो में लूँगा। बताए बस एक बार अपने आपको टैलेंटेड साबित करे कि ये क्या प्रोसेस है भाई, बताओ। ओके, मैंने याद कर लिया भैया कि क्या पढ़ कर लिया था मैंने, DC डायरेक्ट करंट को मैंने ऐसे याद कर लिया था। तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल है, इंपॉर्टेंट है। ओके, विटामिन ई को, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं, इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल है। अभी एक CAPF का एग्ज़ाम हुआ था है ना, 2019 का ही है ना, CAPF का एग्ज़ाम हुआ था, CAPF बहुत शानदार क्वेश्चन। तो CAPF का एक क्वेश्चन में ये आया था कि टोकोफेरॉल से होने वाली बीमारी का नाम बताइए, है ना। लोगों को पता ही नहीं है कि टोकोफेरॉल को विटामिन ई बोलते हैं, और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, लोग मतलब जो लोग ऐसी लेडी होती हैं, ऐसी लड़कियां होती हैं जो बच्चे नहीं दे सकती है ना, या फिर कोई ऐसे लड़के होते हैं जो मतलब लड़कियों जैसे बिहेव करते हैं, जो थोड़े नपुंसक टाइप के होते हैं है ना, कह सकते हैं अपन उनको, इंग्लिश में बोलते हैं इम्पोटेंट। ओके, समझ रहे हो, इनफर्टाइल, आप थोड़े समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो विटामिन ई की कमी से मतलब वो वाली हरकतें होने लगती है, मतलब ना लड़का वाली कंडीशन है ना लड़की वाली, इसलिए विटामिन ई की कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए विटामिन ई को का साइंटिफिक टोकोफेरॉल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और CAPF में ये क्वेश्चन आया था भाई साहब, UPSC का एग्ज़ाम होता ही है, कर रहा बहुत शानदार एग्ज़ाम है, अगर इसमें ये क्वेश्चन आया है तो ये इंपॉर्टेंट बात है, तो आप ध्यान रखिएगा। विटामिन के, ये भी बहुत शानदार है, विटामिन के का साइंटिफिक नेम है दोस्तों फाइलोक्विनोन, है ना, क्या नाम है, फाइलोक्विनोन। अब एक और बात सुन लो भाई, अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी है, इसका मतलब यह है कि अगर आप किचन में सब्जी रोटी बना रहे हो, प्याज व्याज काट रहे हो, पोहा मोहा बना रहे हो, और प्याज काटते समय आपकी उंगली में अगर कट लग गया तो आपका खून बहता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी है ना। अगर विटामिन के की कमी नहीं होती, सब कुछ बढ़िया चलता, तो आपका खून 2 से 5 मिनट के अंदर फटाक से जम जाता, ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो अल्टीमेट बात यह है, बॉटम लाइन ये है कि विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन ए की कमी, के की कमी से होने से क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं बनता अपनी बॉडी के अंदर, है ना, मतलब अपनी उंगली में जहाँ कट लगा है। और अगर विटामिन के बढ़िया है तो फिर जल्दी से ब्लड क्लॉट बन जाएगा और आपका खून रुक जाएगा, वरना बहता ही जाएगा पानी की तरह, ठीक है, समझ लो। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट, ताकि बिल्कुल ना भूलें। और लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगा, अभी पता चल जाएगा कि किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और किसने फुल मनोरंजन करके अपना टाइम वेस्ट किया, अपना और अपने माँ बाप का। चलो भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। विटामिन ए को बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। विटामिन बी मन को बोलते हैं थायमीन। विटामिन B2 राइबोफ्लेमिन। विटामिन B3 नियासिन और निकोटिनिक एसिड, ध्यान रखिएगा। विटामिन B5 मैंने बताया था पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B9 फोलिक एसिड। विटामिन B12 कोवालमिन। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, डायरेक्ट करंट वाला। और वो क्वेश्चन मैंने पूछा था, कोई अगर शानदार बंदा है, दमदार, तो बताए भाई, चैलेंज है मतलब उसके लिए। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, और विटामिन ए को बोलते हैं, के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन। अगर विटामिन के की कमी है तो आपका ब्लड जमेगा नहीं, अगर विटामिन के बढ़िया है तो ब्लड जम जाएगा और ब्लड क्लॉट की वजह से आपका खून रुक जाएगा। तो क्वेश्चन है भाई साहब आपसे है कि विटामिन B3 के दोनों नाम बताइए और विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है। 2 क्वेश्चन है, आंसर लिखिए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए, दिल खोल के बताइए। और वीडियो पसंद आए तो भाई आंख बंद करके फटाफट लाइक कर लो, शेयर कर दो अपने एक बेस्ट फ्रेंड को। 17 लोगों को शेयर नहीं करना भाई, अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर करना है, एक इंसान को, ताकि उसको पता चले कि आप उसकी केयर करते हो। और सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि शानदार वीडियो बनाता हूँ भाई मैं, बिल्कुल हेल्प करने की बिल्कुल मेरी इच्छा है, ऐसा कोई नहीं है कि मुझे व्यूज़ बढ़ाने हैं। वैसे मेरा नॉर्मल चैनल है, नया सा चैनल है, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, बट कंटेंट बिल्कुल दम है। कंटेंट अगर पसंद नहीं आया तो आप अभी डिसलाइक मारो और आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नया वीडियो देखो, किसी और का देखो। अगर पसंद आया ना तो बिल्कुल डंके की चोट पर लाइक करो भाई, और सब्सक्राइब अभी कर लो। मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
मैंने काफ़ी वीडियो बनाया, छोटा बता देता हूँ। अलॉयज़ के बारे में बता दिया मैंने, ओर्स के बारे में बता दिया मैंने, बाउंड्री लाइंस के बारे में बता दिया, डिसीज़ के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों, है ना। काफ़ी वीडियोज़ बना दिए हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। ब्रेन के बारे में बताया मैंने, ब्रेन यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैंने पूरा का पूरा मतलब क्या बता दिया है, इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल क्या है, बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, हॉकी में कितने होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर सच में सीरियस बंदे हो तो जाओ और प्लेलिस्ट चेक कर लो एक बार, जीवन सुधर जाएगा। और हाँ भाई, लास्ट बात है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंट हार्डवर्क करोगे, 5 से 6 महीने कंसिस्टेंट पढ़ोगे ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिसमें आपका एग्ज़ाम ना निकले। आपका एग्ज़ाम निकलेगा, लेकिन कंसिस्टेंट 5 से 6 घंटे पढ़ो भाई, और दिल पर हाथ रख के एक बार खुद से बोल देना, क्या मैंने 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ाई करी? अगर करी है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, अगर रिविज़न करना है तो वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल लो या फिर नोटबुक में लिख लो भाई, और पढ़ते रहो कंसिस्टेंट, हर दिन पढ़ो। हालांकि दुनिया इधर की इधर हो जाए, कोरोना वायरस जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पढ़ते रहो। एग्ज़ाम जिस दिन होगा उसी दिन धूम मचा के आना है, ओके। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, नेवर एवर गिव अप एंड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल। 5 से 6 घंटे रोज़ पढ़ो भाई मेरे, है ना, धूम मचाना है अपने को, टाइम पास नहीं करना।